22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है और ऐसे में रामानंद सागर की रामायण के राम की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान राम का नाम लेते ही हर किसी के दिमाग में अरुण गोविल का चेहरा ही आता है। लेकिन क्या आपको पता है अरुण गोविल ने ऑन स्क्रीन और भी कई किरदार निभाए हैं। हाँ वो बात और है कि उन्हें सबसे ज्यादा जाना भगवान राम के किरदार से ही जाता है, लेकिन रामायण के अलावा अरुण गोविल ने शो गोविंदा गोविंदा में भगवान विष्णु का किरदार निभाया है। कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद बात करें तो टीवी शो शिव महिमा में अरुण गोविल ने भगवान शिव का किरदार भी निभाया है। उन्हें कई बार ऐसे धार्मिक रोल ऑफर हुए और उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट भी किया और बखूबी निभाया भी। फिर 1995 में विश्वामित्रा में भी अरुण गोविल ने एक इम्पोर्टेंट अहम रोल प्ले किया था। ये रोल था राजा हरिश्चंद्र का और इसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। टीवी शो बुद्ध में भी अरुण गोविल लीड एक्टर रहे। अगेन इस रोल के लिए उनकी तारीफ काफी हुई लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिल्म लव कुश वो फिल्म थी जिसमें राम के किरदार में तो एक्टर जितेंद्र दिखे लेकिन उनके छोटे भाई यानी लक्ष्मण के किरदार में दिखे अरुण गोविल और अरुण गोविल ने इस रोल से भी लोगों को खूब इम्प्रेस किया। और हाल ही में आई OMG 2 में अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी के साथ अटल नाथ महेश्वरी का रोल निभाया किसने? अरुण गोविल ने और यहाँ भी लोगों को वो काफी पसंद आए। खैर आपको आपके ऑन स्क्रीन राम किस किरदार में सबसे ज्यादा पसंद आए कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ENT लाइव को।